दोस्तों बात करने वाले हैं इरेडा स्टॉक के बारे में, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट स्टॉक के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मोमेंटम अभी भी बरकरार है, यहाँ पे बड़े प्लेयर माल खरीद रहे हैं। अगर गिरावट में मिलता तो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे देखने को मिलेगी। और आज का इंट्राडे देखोगे 100 रुपए के आसपास आपको ये मिल रहा था, बट लोगों ने बाई नहीं किया क्योंकि लोगों को लग रहा था कि भाई नीचे जाएगा, अभी वो गिरावट में जाएगा। एंड आपको बताया गया था कि भाई अगर यहाँ से 100 पे भी मिल जाता है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड आज उस रेंज में ये देखने को मिल रहा था, ओपन हुआ था 102 रुपए के आसपास। मॉर्निंग के अंदर मार्केट की वोलेटिलिटी दिखी थी एंड उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी रफ्तार पकड़ी। एंड स्टॉक में भी देख सकते हो 5% की एक बढ़िया रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। कल एक बढ़िया गिरावट थी यहाँ पे, एंड जैसा की डाटा आप देखोगे ये टाइम 5 करोड़ 3 लाख की वॉल्यूम आज क्रिएट हुई है। एंड एमओ का डाटा अभी के टाइम फुल्ली पॉजिटिव, कल डेफिनेटली गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। अराउंड 1,04,000 शेयर बाइंग ऑर्डर में हमें देखने को मिल रहे हैं। डाटा अगर बताऊं मैं डिलीवरी का, दोस्तों बड़े प्लेयर माल नहीं छोड़ रहे, बड़े प्लेयर एक भी मौका यहाँ पे खरीदारी का नहीं छोड़ रहे। अगर आज भी देखोगे ऑलराउंड 130 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आता हुआ देखने को मिला, ये तो कम से कम है। ऑलराउंड यहाँ पे 30% माल आज भी खरीदा गया है। तो दोस्तों डरना नहीं है, अगर ऊंचे लेवल पे खरीदे जैसा कि 123 रुपए के हाई है यहाँ पे, अगर वहां तक बाएंगे तो भी आपको यहाँ पे एक एवरेज करने का फिर से मौका मिल रहा है। लॉन्ग टर्म वाला एवरेज करना है एंड यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों डाटा फुल्ली पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। 111 रुपए 25 पैसे का हाई यहाँ पे लगे हैं एंड आप देखोगे हाई के साथ स्टॉक ने हाई लेवल पे क्लोजिंग अपनी आज के इंट्राडे की दी है। तो अभी के टाइम मौका है, चूकना नहीं है। एंड यहाँ से अगर आप देखोगे पी के अकॉर्डिंग में बात करूँ तो पी अभी के टाइम स्टॉक का यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। एंड अगर डाटा बताऊं मैं दोस्तों स्टॉक का, देखिए तेजी के पीछे की अगर वजह की बात करें तो दोस्तों एनर्जी सेगमेंट में करीब 2.5% तक का यहाँ पे करेक्शन हमें देखने को मिला। आज एनर्जी सेगमेंट ने एक अच्छा रिवर्सल दिया है, मतलब 568 पॉइंट का रिवर्सल आज एनर्जी सेगमेंट में दिखा है, इस वजह से ये तेजी हमें नजर आ रही है। डाटा यहाँ से बताऊं दोस्तों की आगे क्या होगा एंड करना क्या चाहिए, फंडामेंटल तो आपको पता ही है कैसे है एंड ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है तो ग्रोथ की तो चिंता है नहीं, ग्रोथ डेफिनेटली यहाँ पे है। एंड सबसे बड़ी चीज दोस्तों बजट यहाँ पे आएगा तो बजट में भी एक बड़ी अनाउंसमेंट दिखेगी ग्रीन एनर्जी के रिलेटेड। एंड उसके बाद ये स्टॉक रफ्तार पकड़ सकता है, एक बड़ा बाउंस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपको बताया यहाँ पे एनर्जी सेगमेंट में आज हमें धमाका दिखा है, तो आप देख सकते हो कल ये सारे स्टॉक आपको नेगेटिव जाते हुए देखने को मिल रहे थे, आज इन सब में आप देखो कि आपको एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों यहाँ पे हिरडा स्टॉक के बारे में कि भाई आगे क्या मोमेंटम बनेगा, करना क्या है। देखो जो आरएसआई है 75, आरएसआई का 70 से नीचे मिल रहा है तो ये एक बढ़िया रेंज हमें बाइंग की देखने को मिलने वाली है। एंड आप देखोगे दोस्तों तो सस्टेंस यहाँ से करा, इस रेंज के ऊपर आपको सस्टेंस करता हुआ देखने को मिलेगा। एंड ये रेंज रहने वाली 100 रुपए की, तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट है स्टॉक का, यहाँ पे 100 रुपए का आसानी से नहीं टूटेगा। एक बार भाव बढ़ता है अच्छे स्टॉक का उसके बाद वो कंसोलिडेट करने लग जाता है, ऐसा नहीं कि तेजी फिर गिरावट, ऐसा नहीं होता। पंप एंड डंप के अकॉर्डिंग वो नहीं चलता है, कंसोलिडेट के अकॉर्डिंग वो चलता है। एंड रिटर्न अगर देखोगे तो जबरदस्त रिटर्न है। एंड अभी के टाइम टेक्निकली बताऊं तो बुलिश का यहाँ पे जो मतलब जो डाटा है वो देखने को मिल रहा है। तो अभी के टाइम देखिए लॉन्ग टर्म वालों के लिए मौका है, शॉर्ट टर्म वालों को थोड़ा वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है, बट अगेन एक बढ़िया रैली आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो जल्दबाजी नहीं करना, अगर मैं बताऊं कि टॉप लेवल से कितना अभी के टाइम ये नीचे गिरावट में, तो आज स्टॉक ने जो क्लोजिंग है वो 109 अराउंड 110 रुपए के आसपास क्लोजिंग दिखी है। तो अगर अपन 110 से 92 वीक हाई देखे स्टॉक का, भाई कितना परसेंटेज नीचे ये ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो 110 के आसपास का जो डाटा है, 123 के स्टॉक के हाई लगे ना, 123 से अपने 52 वीक है उससे 110 और सॉरी दोस्तों अराउंड 11%, 11 क्या अपन मान सकते हैं कि भाई 12% नीचे ये ट्रेड कर रहा है, 12% की ये गिरावट हमें नजर आ रही है। तो ये गिरावट दोस्तों एक झटके में एक दिन में, अगर सर्किट खाली अगर सर्किट लगा लेना स्टॉक 10% का, तो एक झटके में ये आपको पूरी जो गिरावट है वो रिकवरी में देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए यही है कि जल्दबाजी नहीं करना है, स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली मजबूत है, मार्केट का भी सपोर्ट है, तो यहाँ से आप अभी के टाइम एवरेज भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाले अभी के टाइम होल्ड करे हुए।